राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपके इस तरीके की बुनाई बताऊंगी। और ये देखिए, इस तरीके से ऐसे बुनाई की छोटी छोटी सी केबल जैसी बन जाती हैं। ये हमारे चार फंदे उल्टे हैं, फिर एक केबल है, फिर चार फंदे उल्टे हैं, फिर केबल, फिर चार फंदे उल्टे, फिर केबल। तो ये लेडीज़ स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, या किसी बेबी के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी स्वेटर में आप इसे डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है और पीछे की तरफ से ये ऐसा दिखता है और सामने की तरफ से इस तरीके से ये दिखता है। ये केबल जैसी बन जाती है और ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है। इसको मैंने, ये 4 प्लाई की ऊन है मेरी, तो इसमें मैंने इसे डाला है। आप इसे किसी भी ऊन में डाल सकते हैं, चाहे वो 4 प्लाई की हो या किसी और ऊन हो, किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। जेंट स्वेटर में भी इसे आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 4 प्लाई वाली ऊन है, ज़्यादा रुआ है इसमें, तो इसके लिए मैं इसमें आपको बताऊँ। तो मैंने फंदे डाल लिए, तो ये पहला फंदा है। इस पहले फंदे को इस तरीके से ऐसे उतार लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, और इस एक फंदे में 2 बार धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे। फिर ऊन पीछे और एक फंदे में इस तरीके से फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे और एक फंदा ये एक्स। तुम्हारी ये पहली लाइन बन गई है। दूसरी, इसके लिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और चार फंदे हमारे जो उल्टे हैं इनको हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। चार फंदे उल्टे बन गए और हमने ये फंदा ऐसे बनाया था डबल, तो इसी को हम इसमें ऐसे इसमें डाल के 2 बार बनाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर चार फंदे उल्टे और फिर इसी में जो हमारा ये डिज़ाइन का फंदा है, इसी में हम 2 बार ऐसे धागा लपेटेंगे और इसको ऐसे बुनेंगे। फिर चार फंदे हमारे उल्टे और एक फंदा हमारा एक्सपोज़। और हमारी एक तीसरी लाइन है और इसको हम ऐसे ही पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, चार फंदे जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे हम। उनको पीछे करेंगे और ये फंदा जो हमने 2 बार लपेटा था, इसी में हम फिर 2 बार लपेटेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे और इस फंदे में हम 2 बार लपेटेंगे। ये 5वां फंदा है, इसमें हम 2 बार ऐसे लपेट के और फंदा ऐसे उतार देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे। ये हमें 4 सिलाई में इसी तरीके से बनाना है। फिर उल्टी सिलाई है हमारी, और ये हमारे जैसे फंदे हैं उल्टे, उनको उल्टा ही बनाएंगे ऐसे। और जो फंदा हमने जो डबल बार बनाया था, इसी में हम फिर 1 बार ऐसे 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे और फिर हमारे डिज़ाइन का फंदा है, इसमें ऐसे 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, हमारा जो एक्सपोज़। अब ये फंदा पहले हमने उतार लिया है और 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब उनको पीछे करेंगे और जो हमने 4 सिलाई में जो फंदे हमने एक में 2-2 बार बनाए थे, इनको ऐसे खोलेंगे, ऐसे 1, 2, 3 और 4 फंदे थे हमारे बनाए हुए और 4 फंदों को हमने
खोल ली। और इस फंदे को हम इस तरीके से सिलाई में रखेंगे और इन चार को इस सिलाई ऐसे फंदे से ऐसे निकाल देंगे। फिर ऐसे ऊन में रख के चार फंदों का ऐसे एक बना देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ, ये चार फंदे उल्टे, ऊन पीछे। इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे एक दो तीन चार, हमारे चार फंदे खुल गए। एक एक करके फंदे खोल लें इस तरीके से, और फिर इस फंदे को इस तरीके से ऐसे उठाएं और इसमें ये चारों फंदे निकाल दें। फिर ऐसे सिलाई पे लेके और इन चार फंदों का एक, फिर उन अपनी तरफ चार फंदे उल्टे। तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से ऐसे बने। फिर हमारी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। ये हमारे चार फंदे जो उल्टे हैं उनको भी उल्टा बनाएंगे। जो ये डिज़ाइन का फंदा था तो हमारी ये पूरी लाइन उल्टी बनेगी। इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन का कोई भी फंदा नहीं बनाना है डबल करके। इस सिलाई में हमें पूरा सिंपल सी जो लाइन है इसी तरीके से बनाना है। अब इस तरीके से फिर हम दूसरी लाइन इसी को चार रिपीट करते रहेंगे तो ये सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो हमारे ये चार फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बनाया है, उनको पीछे किया है, और जिस तरीके से हमने यहाँ नीचे बनाया था इसी तरीके से हम फिर ऐसे दो बार धागा लपेटेंगे और फिर ऊन अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, और इस तरीके से दो बार धागा लपेटेंगे ऐसे, फिर ऊन अपनी तरफ, तो हमारा ये दूसरी लाइन ये बनने के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। तो बस आप इसी तरीके से जैसे हमने ये नीचे बनाया था ऐसे ही इसके ऊपर चार बार ये लाइनें ऐसी बनाते रहेंगे, और उसके बाद फिर इसी तरीके से हम जैसे हमने ये फंदे निकाले थे ऐसे बना के इसके ऊपर ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो ये सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा जिस तरीके से ये बना। तो ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया इसके ऊपर ये दूसरी लाइन बनाई, ऐसी आप भी इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाएं और किसी भी प्रोजेक्ट में डालें, लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, तो एक केबल जैसी बुनाई बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।